हम लोग अभी केव में घुस रहे हैं। अरे ये कौन सी पहाड़ है? जिमनी ईट्स ऑल ऑफ दिस फॉर ब्रेकफास्ट। क्या कर क्या रही है? बत्साल, दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस। आवाज़ हो गई है। मॉर्निंग। कल तो डिनर विनर करके जो भयंकर नींद आई थी, सब सो गए थे और अभी बज रहा है 8:40। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाकी सब रेडी होंगे। एंड देन आज का प्लान है कुछ खतरनाक ऑफ रोडिंग है जिसका परमिट निकालना पड़ता है, तो वो परमिट निकालने जाएंगे दो बंदे। फिर आके तब तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। बूफे ब्रेकफास्ट है, इंक्लूडेड है पैकेज में, और फिर सब निकलेंगे घूमने। और ये देखो व्यू, ओहो बहुत मजा आ रहा है ठंड में। अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, लेट्स सी क्या क्या है। सैंडविच है, पाव भाजी है, ढोकला, पाव आ रहे हैं, ये आलू गोंडा है। अच्छा जी, इधर चटनी, अचार, सॉस, कॉर्नफ्लेक्स भी है, दूध भी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वुडलैंड एडवेंचर रिसोर्ट। हम लोग ऑलमोस्ट रेडी है, अभी निकलने वाले हैं टूवर्ड्स अ फ्यू पॉइंट्स, वो एज वी कवर हम लोग बोलेंगे। बट आज सुबह सुमित और शुभव्रत ये लोग गए थे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के पास टू गेट द परमिट्स। यू कैन नॉट टेक योर पर्सनल व्हीकल्स टू दीज प्लेसेस, बट दे वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड हम लोग क्या है, कौन से प्रोफेशन से है, इज देर अ चांस वी विल एक्सप्लॉइट द परमिट्स। वो सब डिलीवरेशन के बाद दे गेव अस द परमिट्स। काफ़ी लंबी प्रोसेस था, इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम, इज ऑलमोस्ट 10:45। परमिट्स मिल गया है, दो जिमनीज आज जाएगी एंड वी विल एक्सप्लोर द टफेस्ट ऑफ ट्रेल्स फर्स्ट, विच इज डचेस फॉल्स। दे डिड नॉट वांट टू इशू परमिट्स विदाउट अस कंफर्मिंग कि हम लोग के पास 4x4 है। हम लोग अभी ऑलमोस्ट रेडी है, सुमित और शुभव्रत हम लोग के साथ ही चलेंगे और सुमित आज लीड करेगा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल टुडे। फिलहाल अभी शायद मैं ड्राइव भी नहीं करूँ, यही ड्राइव करके लेके जाए। या लुक एट हिज स्पिरिट, ऑलवेज अप। अभी 11 बज रहा है और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी जर्नी। हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं डचेस वाटरफॉल्स। सुबह तो काफ़ी गर्मी लग रही है, मतलब विंटर क्लोथ्स की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर अचानक शाम होते होते ऐसा टेम्परेचर फॉल करता है कि मतलब एकदम ठंड मज़ेदार। धूपगढ़ प्रवेश द्वार। यहाँ पे परमिट दिखाना होता है, जो परमिट हमने फॉरेस्ट ऑफिशियल से लिया है। और एक ग्रुप आया था जिन्होंने बहुत रूल्स और नियम तोड़े, दे फ्लाउटेड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू शुड मेंटेन इन अ फॉरेस्ट। तो हमें भी परमिट नहीं मिल रहा था क्योंकि अभी ऑफिशियल्स का डाउट में है कि परमिट दे ना दे, सब अगर ऐसा करें तो। कन्विंस करने के बाद हमें परमिट मिला, तो वही परमिट यहाँ पे चेकिंग हो रही है। यहाँ पे बीच में एक एयर स्ट्रिप है, हेलीपैड है, जो भी बोलना चाहो। मैप में ना डचेस फॉल्स का रास्ता कुछ और दिखा रहा था पर वो है नहीं, तो आप किसी लोकल से पूछ के तभी आना। और ये है डचेस फॉल्स का गेट, यहाँ पे गेट बंद है और ताला लगा हुआ है और कोई है नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। हेलो टीन टीन, हेलो सुवान। काफी देर तक वेट किए, इधर इधर एक बाइक है पर कोई इंसान नहीं है। गेट के साइड में एक रास्ता है तो हम लोग वहां से एंटर कर रहे हैं, पता नहीं वो किधर जाता है, देखते हैं कहाँ जाता है। काफी एडवेंचरस चीजें हो रही हैं। जो राइट ट्रक मैंने आपको दिखाया वहां से जाने गए पर वहां पे रास्ता कुछ था नहीं, था हम वापस रीच कर आ गए यहाँ पे बात करने इस गेट पे कि डचेस फॉल्स का रास्ता एक्चुअली है किधर। इधर से ऑफिशियल्स फोन करके डचेस फॉल्स का गेट खुलवा रहे हैं, तो जब तक वो आदमी आता है तो तब तक हम लोग यहाँ रीच कर में घूम लेते हैं। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ के हमें केव्स दिखेगा, ऐसा कुछ है अभी श्योर नहीं है, जाके देखते हैं। ये है रास्ता जहाँ से वॉक करके जाना है क्योंकि गाड़ी नहीं जाएगा, इतना कम विथ है उसका। ये उधर गाड़ी पार्क्ड है और अभी हम इधर से स्टेयर्स लेके उतर रहे हैं।
काफी केव वाला फीलिंग है, लेकिन काफी सारी सीढ़ियां हैं, इधर भी सीढ़ियां हैं। गल का सन्नाटा है इधर। हमें बोला गया कि बस केव जाके चुपचाप वापस आ जाना, ज्यादा इधर उधर मत जाना, नहीं तो जानवर आ जाएंगे। कि शोरी रे दिच्छे ना अमी ने बोके सप्तशी की तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो इसीलिए वो उस्तवान को लेके पार्किंग में चला गया। तो फिलहाल तो हम तीनों जा रहे हैं, मैं टेरिदा और स्नेहा भी। बेसिकली एक मोनोलिथिक रॉक, और मोनोलिथिक रॉक अपने आप से एक डेंट बनी है, एक केव लाइक स्ट्रक्चर को रचे बारिश वारिश वगैरह सब चीजें से, यू कैन गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम केव लाइक स्ट्रक्चर। और सारा डिस्क्रिप्शन तो स्नेहा दी ने दे ही दिया, जहाँ पे चाहे तो घुस सकते हैं पर जरूरत नहीं है, इंसानों को तो जरूरत भी। तो हम लोग दूसरे केव पॉइंट भी पहुंच चुके हैं, ये रहा दूसरा केव पॉइंट। यहाँ से आपको इधर से वॉक करके नीचे जाना है। लेट्स गो। क्यों घुस रहा है टेरिदा? अगर वापस ना आए तो हमें नहीं पता, बट नाइस, वेरी नाइस। हम लोग अभी केव में घुस रहे हैं, कमरे में थोड़ा ये देखो गटर दिख रहा है, बट एक्चुअली ह्यूमन आई से इट इज ऑल वेरी वेरी डार्क, सो यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। सी दोस रॉक स्ट्रक्चर्स दैट यू वर टॉकिंग अबाउट। और हम ये दूसरी एंड पे पहुंच गए। बेड़ो वो ये देखिए, ये औरत क्या कर रही है, जो टीनेजर्स करते हैं वो कर रही है। अनिंदिता सप्तऋषि स्तुवान स्नेहा सुमित टिंटिन। ये हम इधर से निकले और ये रहा केव का दूसरा एंड, जो कि पूरा जंगल है। लेट्स गो बैक, लेट्स गो। यहाँ पे एक बड़ा ओपनिंग है, तो वहाँ पे और नहीं जाते, अभी हम लोग ये वाला चढ़ाई चढ़ के फिर वापस जाएंगे। हमने एक आदमी भेजा है वहाँ पे जो मिसिंग है, जो चेक करके आएगा बताएगा कि क्या है वहाँ पे, रहस्य क्या है वहाँ पे। यार टेडी द वहाँ से क्या है उस तरफ, তুমি এসে এই সব কাণ্ড করার পরে আমাকে একবার চোখ দেখাবে আর নিজের হ্যাঁ করে দেখাবে, টু নো দ্যাট ইউ আর অরিজিনাল টেডিডা। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, टेरिदा ने बोला कि अच्छा व्यू है तो इट्स वर्थ इट, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अभी। और ये सब खूब पसंद है, इधर के चले जाओ उधर के चले जाओ। हाँ ये देखिए कितने बड़े बड़े रॉक्स हैं। हम लोग उधर से आए, जो आपको वहां पे रेस दिख रहा है ना उसके अंदर से हम लोग निकले हैं। वहां पे देखिए एक और पाथवे है जहां से आप जा सकते हो जंगल में, पर हमें नहीं जाना, अभी लौट रहे हैं अपन लोग। मीनवाइल मैं ऊपर जाके एक सुपर टाइम लैप्स शूट कर रहा था। अब थके তুমি গেলে খুব মজা পেতে কিন্তু, এই কে চারিদিকে এদিকে চলে যাচ্ছে ওদিকে চলে যাচ্ছে, তোমরা দেখেছো তো। সো লোক ডাচেস ফলস কে লিয়ে আবি वापस आ रहे हैं, সুমিত ইজ রিভার্সিং ফর সাম রিজন, লেটস আস্ক হিম। इधर के जो गेट कीपर है होपफुली वो वापस आ गए, लास्ट कंफर्मेशन वही मिला कि ही इज एट द गेट। आई एम सेविंग माय बेस्ट फॉर द ऑफ रोड ट्रैक, तो इसलिए मैं नीचे नहीं गया, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। टिकट है गाड़ी लेके जाने का, टिकट गाड़ी बात हुआ है सुबह। दिस इज द परमिट दैट वी गॉट इन द मॉर्निंग फॉर 3 कार्ड्स, सो ही विल जस्ट आस्क द ऑफिशियल हु इशूड द परमिट एंड देन hopefully he gets a nod and then we'll be on our way, and I'm guessing this is the route we need to follow again,
So we got the approval. Abhi ja rahe hain. Yay! Roughest of trails, you can only take your car till 2 kilometers. Uske baad 1 kilometer ka trek hai. That's what we have been told. And you have to come back by 3:30. But 3:30 तक हम लोग रुकेंगे नहीं, आप उससे पहले ही आ जाएंगे. As it gets rougher, हम लोग दिखाएंगे. अनमिता बाहर से शूट करेगी. So far, it is not that challenging at all. कितना डिसेंट है इधर. और अभी फोर लो पे अपन लोग जा रहे हैं. बैक होता है ना साइड साइड तो नहीं ना. Pura valley section and we are going down. I think the worst is over. तो काफ़ी सारी ऑफ रोडिंग करके हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पार्किंग में. यहाँ एक और जिप्सी है और इधर मैं आपको दिखाती हूँ. इधर से सीढ़ियाँ हैं तो ऊपर ये फॉल्स तक जाती है. ये वाला दिखाओ क्या मस्त लग रहा है वो. अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है. इस साइड पे पहाड़ का. अरे ये कौन सी पहाड़ है? ये पहाड़ सबसे अच्छा लग रहा है. ऊपर तक चढ़ सकता है कोई? Neha has a YouTube channel and she has 300 videos over there. She does this for fun, which is very good and we appreciate that. But many people like that. हम लोग को पता चलता है, हम लोग sure देखते but कभी बता ही नहीं. So we will today for the first time. Yes ma'am, channel name. The Bong Story. Oh. Sumit उसका बेटा, मेरी बीवी उसका बेटा, मेरा भी बेटा. These people are staying back. हम लोग अभी start कर रहे हैं. शुभव्रतो एंड स्नेहा जॉइनिंग मी अलोंग. 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग है. पता नहीं बीच रास्ते से मुझे लग रहा है वापस आना है, बट आई विल ट्राई. ट्रैक स्टार्ट हुआ है, 50 मीटर्स भी नहीं आए. हालत टाइट हो जा रहा है. बापरे हेरे तो बोलची नीचे ना हो तो इजी मोड़ ले सबाई एकसाथे मोड़बो ना कि. This reminds me of the double decker bridge Meghalaya mein. Ei bole ekhane majhe aste message kori nu bole pick up korte na dekhe na bole. We are a lot of steps down but phir bhi waterfall ka sound nahi aa raha. To mujhe lag raha hai kafi dur hi hai phir. It is going to be a very steep climb. Oh, look at this view, man. काफी दूर आ गए नीचे.
না ওটা ফেলে দাও। হ্যাঁ এবার বাজাও। We are calling it off. Falls ka awaaz ekdam nahi aa raha hai. And I'm not in a position to trek for 4 hours today. I'm already perspiring like hell. सब वापस जा रहे हैं अभी, और जो बाकी विजिटर्स भी आए थे उन लोगों को भी आवाज़ देने का काफ़ी कोशिश किया। आई एम गेसिंग इट्स लाइक अ 4 or 5 hour रिटर्न जर्नी, जो कि होगा नहीं। ये आवाज़ सुनाई दे रहा ना, दिस इज़ द इल्यूशन। हम लोग को लगा कि वाटरफॉल सामने ही है, तो नीचे उतरते ही गए एंड देन फंस गए, ऑलमोस्ट ऊपर तक आ गए। हाँ कोई चला गया लोड़ा, ये अभी दिख रहा है हमें। ये तो पूरा प्रूफ है कि ये ट्रेल बहुत डिफिकल्ट है। एंड दिस इज अगेन पार्ट ऑफ सतपुरा टाइगर रिजर्व। सो वी आर बैक। क्या हो पापा, क्या हो और तो सुबह तो ऐसे गया, आई शॉट कर दिया। पहले टू हाई से ही कर रहा था लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं। बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, प्लस टायर से पूरा वो स्मेल आने लगा जलने का। तो अभी 4 low से ये बहुत स्मूथली ऊपर जा रहा है, मतलब ये इतना ही स्टीप था कि कोई और कार नहीं आ पाएगी। तो अभी हम लोग आए हैं बी फॉल्स के गेट पे और हमें रोका गया है परमिट देखने के लिए। एंड पता चला कि दिस इज़ नॉट अ स्टीप हाइक, तो सोचे सब जाएँ, बट सोच रहे हैं जाके डिसाइड करेंगे। स्टोन का लंच चल रहा है अभी। डन। यहाँ पे एक गेट है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बी फॉल्स। तो बी फॉल्स आ गए हम लोग, अभी नीचे जा रहे हैं। अच्छेस फॉल सबसे डिफिकल्ट है, देयर आर 2-3 point टर्न्स। वो मतलब ओके है, मतलब यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ अ लिटिल, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इधर तो काफ़ी सारे टर्न्स थे और नीचे आते गए हम लोग। एंड अरे ये तो आ भी गया बी फॉल्स। बाबा उन्हें बोचा है सबाई के नहीं आसते वक्त हम इटा पा फा डूबिए बोझ सकते वक्त। ये बी फॉल्स नहीं है बस। वो नीचे सब बैठे हैं, वही तक जाना है, वही बी फॉल्स है। और ये है बी फॉल्स का इनिशिएशन, इधर से चालू होता है। ये 400 meters। ओह फिर से एक हाइक, एंड ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत चैलेंजिंग तो है ही। आवाज़ तो काफ़ी आ रहा है, हाँ ये उतना भी नहीं है, ठीक है। And this, ladies and gentlemen, is the Bee Falls. काफी लोग इधर मजे कर रहे हैं, some of them are एंड सेफ भी है वैसे नीचे जाना। नहीं जैकेट वा पहन के ऐसे पता लेंगे ना। कुछ फोटोज खींच के हम लोग वापस चल पड़े पार्किंग लॉट की तरफ। नींबू पानी ब्रेक, एक ग्लास का 40 rupees। ये मस्त है, स्टेप स्टेप वाटरफॉल्स आ रहा है, एंजॉय करने का जगह है। इट टुक अस लगभग 40 मिनट्स नीचे जाने और ऊपर आने में, वापस पार्किंग लॉट में आ गए। बी फॉल से निकल रहे हैं हम लोग अभी, 3:11 हो रहा है। आराम से हो जाएगा वन में।
बी फॉल्स के बाद बोथ मी एंड सुमित वर नॉट दैट कंटेंट, ऑफ रोडिंग और करना था, तो एक जगह रुक के हम लोग लोकल से पूछे कि रिसोर्ट जाते वक्त कोई ऑफ रोड मिलेगा क्या। वो लोग ने एक मस्त शॉर्टकट बताया, रिजल्ट सामने। Jimny eats all of this for breakfast. Jimny का rear wheel drive credentials test कर रहा है ये लड़का, वो समझ में नहीं आ रहा क्या कर क्या रहा है। काफी सारा routes वगैरह check किए, कुछ खास तो मिल नहीं रहा था। एक एक्सीडेंटल फाइन, बट यही एक्चुअली एक ऑफ रोड ट्रैक मिला। हम लोग जा रहे बादशाह, हम लोग खो गए बीच में, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रोड लेना है। तभी ये वाला हम लोग ऐसे ही दिखा कि चल चलो चलते। अरे भाई दिस इज नाइस रे, इतना ही अच्छा हो जाए। सफाल थे छेड़ा बोलती बात, चल चल अच्छा। तो ये अपना अच्छा व्यू दिखता हुआ, पता नहीं बादशल किधर है कहाँ पे है, और हम लोग वो जिप्सी फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक वी आर बादशल बाद में करते हैं, क्योंकि अगर ये उठ नहीं पाए तो गाड़ी रोल करेगा, गाड़ी रोल करना वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम लोग ये पहुँच गए बादशल। बस ठेक पे है और पूरा काटा। कौन सा पीक्स क्या है? हाईएस्ट माउंटेन कौन सा? धूपगढ़। और ये? ये चौरागढ़ टेम्पल। चौड़ा पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, चौरागढ़ टेम्पल। ओके ओके, तो उसमें भी चढ़ सकते हो क्या? नहीं उसमें नहीं चढ़ सकते, गाड़ी रास्ता वस्ता नहीं है कुछ। परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया, कहीं पे भी नहीं रुक रहे। डचेस फॉल लेके गए भी जाएंगे, ये सनसेट देखना है ना उधर। ये क्या है एक्चुअल? स्मारक है, ब्रिटिश टाइम से बना। किसका क्या नाम? लॉर्ड स्ट्रंग। कितना सुंदर व्यू है, पूरा पैनोरामिक व्यू है। बाजे कार तो इधर तक लाए थे एकदम हिल टॉप पे, ये स्मारक, और वो वहाँ पे वो है पंचमढ़ी झील, एंड समवेयर देयर इज धूपगढ़ जहाँ पे अभी हम जाएंगे। होटल से अंकल आंटी को पिकअप करके हम लोग धूपगढ़ की तरफ निकल चुके हैं। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पंचमढ़ी, और यहाँ से सनसेट और सनराइज दोनों बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो कैसा दिखता है वो जाके दिखाते हैं। From Pachmari to Dhupgar, the climb is very steep and probably आज का steepest climb ये होने वाला था। जैसे सामने है वैसे ही पीछे का ब्यूटी है। रुके तो बस फोटो लेने, अभी भागना है सनसेट।
गाड़ी जल्दी पार्क करके वी वर ऑन आवर वे टू विटनेस द मैजेस्टिक सनसेट। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग है, ये अच्छा कुछ म्यूजियम काइंड ऑफ है छोटा सा, पर हमें इसके राइट में जाना है। यहाँ पे कुछ स्टेयर्स हैं और ये सुंदर पेड़ सारे। अरे वाह वाह वाह, क्या मस्त व्यू है इधर उधर। देखिए सारे हिल्स एक के बाद एक के बाद एक, और क्लाउड्स, पर सन ना क्लाउड्स की वजह से दिख नहीं रहा आज उतना अच्छा, इतना क्लाउडी है इधर। अंदर बैठने के लिए जगह भी बनी हुई है सारी सनसेट देखने के लिए। ये पचमढ़ी का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है क्या? ये जो हिल्स दिख रहा है ना, पूरा अलग अलग रेंज जैसे दिख रहा है, ऑल स्टैगर्ड वन आफ्टर द अदर। अभी ज़्यादा फॉगी हो गया इसलिए दिख नहीं रहा है, पर आपको वो होराइजन दिख रहा है ना, तो सनसेट हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ द मिस्ट हम लोग को दिख नहीं रहा है। बट ट्रूली ये मध्य प्रदेश का लास्ट साइटिंग पॉइंट है, एंड दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट। पचमढ़ी का तो बेस्ट है ही, और मध्य प्रदेश का भी वन ऑफ द बेस्ट है। एंड व्हेन आई से लास्ट, कल हम लोग वापस वेस्ट बंगाल के लिए निकलेंगे, रवाना होंगे। मतलब आई रियली नीड टाइम टू सोक दिस, दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ ब्यूटिफुल। सनसेट तो नहीं दिखा, बट ये इक्वली मेस्पराइजिंग है। आई कैन स्पेंड आवर्स लुकिंग एट दिस, बट ये वाला जो फेज है ना, ये रेड वाला, ये हार्डली 20-25 मिनट ही रहता है, बिकॉज दिस हैपेंस टू बी आवर लास्ट साइटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रिप। वी विल स्पेंड 5-10 मिनट्स हियर, मे बी हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम बांधवगढ़ से आज तक क्या हुआ, एंड वी डू दिस एवरी ट्रिप, क्या हाईलाइट रहा, क्या लो रहा, व्हाट वी मिस्ड, व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी शुड कम बैक टू एमपी अगेन। एमपी, यू हैव बीन लवली, थैंक यू सो मच फॉर व्हाट एवर यू हैव थ्रोन एट अस। आई कैन नॉट बी ग्रेटफुल इनफ टू द पीपल, टू द जगह, टू एवरीथिंग। हिम टू। और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो रहा है। चलो पापा, चलो आशो। As we are leaving, ये और भी ब्यूटीफुल हो रहा है, पर जाना तो है ही। So we are leaving this site, और अभी कुछ खाने के लिए ढूंढेंगे कुछ कैफे में भी। So चलिए वहाँ पे मिलते हैं। So it's 8:40, पचमढ़ी का वन ऑफ द बेटर रेस्टोरेंट्स बेटा बावर्ची पे आए। बाहर से तो अच्छा लग रहा है, लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, काफ़ी रिसर्च करके आए, एंड लुक्स गुड फ्रॉम द आउटसाइड। गाड़ी भी इधर ही पार्क्ड है, सुबह पर तो पार्क कर रहा है। दिस इज द एम्बियंस, पर इधर ओनली वेज मिलता है, ये वेज वाला सेक्शन है, लाइव म्यूजिक है, एंड इधर 360 कैमरा भी। और नॉन वेज काउंटर उधर ही जा रहे खाने। अपना स्टार्टर खत्म हो गया, स्टार्टर क्या था? स्टार्टर था पनीर अफगानी टिक्का, चिकन मलाई टिक्का और चिकन भुना, जो यहाँ का स्पेशलिटी है। और अभी मेन कोर्स आ चुका है, आज लंच स्किप किया था तो इसकी वजह से बहुत भूख लगी थी। अभी मेन कोर्स में है तंदूरी रोटी, फ्राइड राइस,
और अभी भी लाइव बैंड का परफॉर्मेंस चल ही रहा है। सब थोड़ा इमोशनल हो गए कि फिर कब मिलना होगा नहीं होगा, तो फिर ज़्यादा शूटिंग भी नहीं हुआ, सब बातें बातें किए और सब टायर्ड होके सो गए। तो आज अभी बजा है 7:30, हम सब रेडी हैं, बस ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे टूवर्ड्स होम। तो आज का डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे नाइट स्टे करने वाले हैं, हॉल्ट लेने वाले हैं और रास्ता कैसा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सप्तर्षी देंगे आफ्टर वी स्टार्ट आवर जर्नी। और ये रहा यहाँ का सुबह का व्यू। गुड मॉर्निंग पापा, इट्स टाइम टू लीव। लगेज पैक्ड है एंड ये लोग भी फेयरवेल देने आ गए। टिंटिन भी आ गया। 9 बजने को है और हम निकलने वाले हैं। मन तो नहीं कर रहा बिल्कुल, बट क्या कर सकते हैं। सो वी स्टार्ट आवर जर्नी बैक होम। टाटा टाटा स्नेहा दी, टाटा टाटा सामने नहीं आई बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग दैट ग्रेट और हम लोग को कोई पॉइंट लगा नहीं बिकॉज इट्स जस्ट रोड्स। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो है रिटर्न जर्नी के लिए हम लोग अलग रूट चुने हैं विच इज वाया छत्तीसगढ़। तो हम लोग आए कल रात को अंबिकापुर में स्टे किए एक होटल में, सूरज नॉट अंबिकापुर सूरजपुर विच इज 35 किलोमीटर्स बिहाइंड अंबिकापुर। फिर अंबिकापुर से आज स्टार्ट किए एंड वी आर नाउ एट रांची एंड इट्स लाइक 4:00 एंड आज रात को पहुंच जाएंगे। बट वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, प्लीज प्लीज डोंट टेक दिस रूट इफ यू आर गोइंग टू MP। बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। इनफैक्ट आई एम हैविंग दिस नेक पेन, रास्ता इतना खराब है, इतना जर्क से, इवन ऑन दिस जिमनी रोड्स आर वेरी बैड। तो ये वाला रूट मत लो। आई विल गो बैक टू श्रेयान एंड माई दीदी, कल रात को वो लोग आए फ्रॉम बेंगलोर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट देम। आई रियली रियली होप कि इतना 12-13 दिन का रोड ट्रिप मेहनत आप लोग को सबको पसंद आया हो। एंड अगेन this is a vlog in hindi and hindi is not our mother tongue, we have tried our level best, agar galti hai hua hai to maaf kar dena aur please bahut sara pyar bhejna, bye। काफी दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि कोई ट्रिप खत्म हो रहा है और इतना दुख हो रहा है, मतलब क्यों खत्म हो रहा है। ये ट्रिप बहुत थ्रिलिंग था, मजेदार था, एक्साइटिंग था। हमने टाइगर स्पॉट किया काफी बार। आई होप आप लोगों को भी ये ट्रिप उतना ही अच्छा लगा हो। जाइए मध्य प्रदेश घूम के आइए, मध्य प्रदेश के मजे लीजिए, टाइगर स्पॉट कीजिए। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो तो आपको हमारे ब्लॉग में मिल ही जाएगा, रोड्स कैसे हैं, टोल कितना लगता है, होटल्स, खाना, सफारी वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और अगर उससे भी एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग हमें मेल कर सकते हैं या कॉमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों को तो पता ही है ये हमारा 8th डेस्टिनेशन था, अभी भी 4 डेस्टिनेशन बाकी हैं ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट ब्लॉग्स, बाय। তুমি তোমার মতন বলো। আমি আদর করছি দাদা।